जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन डे बाय डे इजी होता जा रहा है। इसका रीज़न है कि नए नए कोर्सेज की शुरुआत हो रही है, आगाज़ हो रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि एडमिशन का कंपटीशन लेवल कम हो जा रहा है। स्पेशली जो नए कोर्सेज की शुरुआत होती है उसमें बच्चों का विश्वास कम होता है कि पता नहीं ये नया कोर्स है, इसमें एडमिशन लेने से करियर अच्छा बनेगा या नहीं, क्योंकि फैकल्टी नए होते हैं, डिपार्टमेंट नया होता है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और फैकल्टी डिपार्टमेंट जो भी कोर्स नया लॉन्च करता है उसमें कुछ बाधाएँ आती है जिसमें दिक्कतें आती है स्टूडेंट को भी, फैकल्टी को भी, स्टाफ को भी। जो सेटअप पुराना हो जाता है उसमें क्वालिटी हो जाता है। तो नए कोर्सेज जब भी लॉन्च होता है तो इस शक से बच्चे उसमें एडमिशन कम लेते हैं, लेकिन एडमिशन इजीली हो जाता है। तो इसी सिलसिले में एकेडमिक काउंसिल ने ये जो प्रोग्राम को लॉन्च किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पेशलिटी प्रोग्राम है। स्पेशलिटी क्यों है आगे आपको बताऊंगा। अगस्त महीने में 2024 में पिछले महीने में ये नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन में नसीम हैदर साहब जो कि ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने सबको बताया था कि इसमें एडमिशन्स के लिए जो ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर है वो आगे एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लेंगे, कौन सा कोर्स है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साफ साफ लिखा है ऊपर में लेटर हेड पे, थर्ड रैंकिंग NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि देश की फ्रेमवर्क है, उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया का देश में तीसरा स्थान है। तो आप जानते हैं पहले को गोल्ड मिलता है, दूसरा का सिल्वर, तीसरा का ब्रॉन्ज, चौथा का कुछ नहीं मिलता है। तो देश में टॉप वन में ISC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, दूसरे नंबर पर JNU दिल्ली, तीसरे नंबर पर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। तो कहने का मतलब है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में नर्सरी से लेकर PhD तक पढ़ाई होता है। तो इसमें एडमिशन के लिए बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, एक बार आपका एडमिशन हो गया तो आपके जीवन सेट हो जाती, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा होता भी है। तो ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो कोर्सेज लॉन्च हुई है MTech में, अब इंजीनियरिंग जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पेशलिटी है, सोशल जो कोर्सेज हैं, सोशल साइंसेज हैं या आपके मास कम्युनिकेशन वाले कोर्सेज हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की ये स्पेशलिटी है। तो स्पेशलिटी है इंजीनियरिंग, इसी इंजीनियरिंग में MTech लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम विद द एनुअल MTech 30 स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25 अंडर सेंट फाइनेंस मोड। द एक्शन ऑफ द ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर, जो कि ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर, उन्होंने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि अगले एकेडमिक काउंसिल में, जिसको उर्दू में बोलते हैं मजलिस तालीमी में, इसके कैसे एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो तय की जाएगी। ये मोहम्मद नसीम हैदर साहब है जो कि ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार है, उनका नोटिस है। लेकिन जामिया में अभी बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, यानी जो पहले रजिस्ट्रार थे अब OSD हो गए हैं, पहले जो डीन साहब थे वो VC हुए हैं, पहले के VC हट चुके हैं। तो ये सब चीज़ें चेंजेस हुई हैं, उसके वजह से अभी बहुत सारे चीज़ें में थोड़ा सा रुकावट है। लेकिन आने वाले समय में जब ये नए कोर्सेज की आगाज़ हो रही, एडमिशन आसान होगा। तो आपको पता ही है कि एडमिशन आसान होगा तो आप एडमिशन ले लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, एक बार जामिया में घुस जाइए, हॉस्टल भी ले लीजिए मिले तो, नहीं तो जामिया में आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी है, जामिया में IAS का कोचिंग देश में फेमस है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो जामिया के इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेज हैं, इवन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, या आपके जो आर्किटेक्चर के कोर्सेज हैं, और मास कम्युनिकेशन तो है ही। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के बेस्ट कोर्सेज में आइए, स्कूल में आइए, जामिया में स्कूल भी है, और अपने करियर को बेहतर बनाइए। और मैं चाहता हूँ कि आपके करियर और बेहतर से बेहतर हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।